मेरे पापा डेट कर गए और मुझे बहुत ख़राब लगा और मैं पूरी तरह से टूट गया था कि अब क्या करेंगे। घर का कंडीशन भी ख़राब हो गया था कि नौकरी चार दिन का हो या चार साल का हो या 40 साल का हो, नौकरी तो फौज का ही करना है। हजार का भीड़ में एक बंदा दिखेगा फौजी, उसका खड़ा होने के स्टाइल से पता चल जाता है। मतलब दुख का पहाड़ और दुख का बादल घेरने लगा मुझे। मैं समझ गया अब तो कुछ गड़बड़ होगा, क्योंकि किस्मत सब कुछ सही चल रहा था, कुछ तो अभी तक मेरे साथ अच्छा चल कैसे रहा, मुझे मन में लगा। मैं लेस मारने के चक्कर में भर्ती अपना खा गया। अब बर्दाश्त के बाहर होने लगा, अब मैं मेरे आंख से आंसू छलक गए कि क्या हो रहा मेरे साथ, हर बार किस्मत धोखा दे रहा कि मेरे अंदर ही कमी है। 16 घंटा का सफर तय करके गया दोस्तों, और जनरल बोगी में। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अग्निवीर हेमंत कुमार सिंह, मैं झारखंड स्टेट से धनबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा रॉयल हाई स्कूल से की मैं, और उसके बाद मैंने 10+2 झरिया अकाडमी झरिया से किया। मेरे घर में मैं, मेरी माँ और 2 बहन और 2 भाई हैं, और मेरे बड़े भाई जो कि एयरफोर्स में है, जो कि मैंने जो टी शर्ट भी पहना है जिसका, और मेरी बहन है जो भी फौज की तैयारी कर रही है, वो भी एक दो बार छठी है, 0.5 नंबर से छठी है, लेकिन प्रयास कर रही है अभी। और छोटा भाई है वो भी फौज की तैयारी कर रहा, वो भी एग्जाम उग्जाम देता है। तो दोस्तों मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ 2018 से, मैंने 2018 से फौज का तैयारी शुरू किया। इसके लिए मोटिवेशन मेरे बड़े भाई से मुझे आया, मैं अपने बड़े भाई से बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहा कि फौज में जाने से लोगों का चाल ढाल, रंग रूप और स्टाइल और डिसिप्लिन, फौज आदमी को डिसिप्लिन बनाता है, वेल डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन नहीं कि पिंजड़ा में तो शेर भी बैठ जाता है जाकर, वेल डिसिप्लिन नहीं, प्रॉपर डिसिप्लिन जो खुद से आता है आदमी को, देख कर ही लगता है कि नहीं, दूर से ही हजार का भीड़ में एक बंदा दिखेगा फौजी, उसका खड़ा होने का स्टाइल से पता चल जाता है। उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेट हुआ। 2018 से मैंने भर्ती स्टार्ट किया, 2018 में मैंने 10 दिया, 10 देने के बाद ही मेरा एज पूर गया था, तो 15 से 20 दिन बाद ही भर्ती था। भर्ती में मैंने गया, मैंने रनिंग नहीं किया था, झूठ नहीं बोलूंगा दोस्तों, मैंने 10 से 15 दिन रनिंग किया था, मेरा रनिंग नहीं निकला, मैंने 2.5 राउंड मारा, उसके बाद मुझे आर्मी वाले पकड़ के अंदर कर दी। मैं वहाँ से हंसते आ गया कि कुछ नहीं, मैं तो फौज का भर्ती निकालूंगा। फिर मैंने इस तरह थोड़ा मोड़ा प्रयास किया, उसके बाद एयरफोर्स का भर्ती दिया मैंने 2018 में दिया रांची में, जिसमें मैंने रनिंग तो निकाल लिया था फेज वन, फिर मैंने रिटर्न में छट गया था, फिर मैंने वापस आ गया, फिर सोचा मैंने फिर निकाल लूँगा, मैंने ये सोचा। उसके बाद फिर 2019 के बाद आए, जिसमें दुमका में भर्ती था आर्मी रैली का, तो उसमें मैंने आर्मी टेक्निकल डाला था, जो कि मेरा एक्सट्रीम साइंस था, फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो मैं साइंस कम्प्लीट था इसलिए मैंने आर्मी टेक्निकल डाला। वहाँ पर ही मैंने प्रैक्टिस करके गया था, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण और मेरा दिमाग काम नहीं किया, मैं जूता पहन के दौड़ा, जूता खुल गया, अब मैं लेस मारने के चक्कर में भर्ती अपना खा गया। तो मुझे अफसोस भी लगा कि मैंने क्या किया, मेहनत भी की और भर्ती नहीं निकल पाया। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से, उसके बाद कुछ दिन बाद फिर इंडियन एयरफोर्स का गरुड़ कमांडो को भर्ती आया, तो गरुड़ कमांडो को भर्ती आया, तो फिर मैंने उसके लिए प्रैक्टिस किया, खूब सारा प्रैक्टिस किया। उसमें भी रनिंग वैसा ही है जैसे आर्मी में रनिंग होता है दोस्तों, क्योंकि वो कमांडो स्पेशल फोर्स है। उसमें मैंने रनिंग निकाला, सबसे पहले बीम वूम था, सब चीज़ निकाला, उसके बाद फिर आपका डायनेमिक फैक्टर था वो निकाला, SRT निकाला, लेकिन लास्ट में जो ग्रुप डिस्कशन होता है मैं उसमें असफल हो गया, मैं नहीं निकल पाया, जिसके कारण मैं छट गया। फिर वहाँ पे मैंने, अब बर्दाश्त के बाहर होने लगा, अब मैं, मेरे आंख से आंसू छलक गए कि क्या हो रहा मेरे साथ, हर बार किस्मत धोखा दे रहा कि मेरे अंदर ही कमी है, फिर भी मुझे लगा मेरे अंदर ही कमी है। मैं वहाँ अपने आप को फिर भी मोटिवेट ही किया। उसके बाद मैंने 2019 से तैयारी करते रहा, रेगुलर ग्राउंड जाते रहा, क्योंकि जो कि मेरा एयरफोर्स का एज खत्म हो चुका था, अब इंडियन आर्मी का ही बारी आई थी, अब इंडियन आर्मी में जाना मैंने सोच लिया था, तो मैंने तैयारी करते रहा। 19 से 20 पूरा तैयारी किया। उसके बाद 21 में भर्ती आया, भर्ती मैंने निकाल लिया, यहाँ पर ही आपका रांची में रनिंग हुआ था, मोराबादी में भर्ती, मैंने वहाँ पर रनिंग निकाला, मैंने एक्सीलेंट मारा। और उसके पहले मैंने एक और भर्ती निकाला था उत्तर प्रदेश फैजाबाद में, जहाँ पर मैं TA के भर्ती गरुड़ कमांडो के बाद ही गया था, तो वहाँ पर मैंने गया था, 16 घंटा का सफ़र तय करके गया दोस्तों, और जनरल बोगी में, क्योंकि सीट नहीं कंफर्म हुआ था, जिसके कारण मुझे जनरल बोगी में जाना पड़ा, और रात को मैं 1:30 बजे स्टेशन पर उतरा, 2 बजे करीबन। उसके बाद फिर मुझे 3 बजे लाइन में लगना पड़ गया, लेकिन होता है ना, अगर मन में जुनून है और आग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गया ही होता है। तो मैंने वहाँ पर ठान लिया था कि मैं निकालूंगा ही निकालूंगा, तो 250 बंडे का बीच बना, क्योंकि जो कि उड़ीसा भी जोन और झारखंड जोन भी, आप जानते हैं TA का भर्ती जोन वाइज होता है, उसमें हाइट में भी छूट मिलता है, 250 का बंदा था, लेकिन मैंने पूरा जोश और कोश के साथ अपना रनिंग किया और मैंने वहाँ पर एक्सीलेंट मारा, सब कुछ क्वालिफाई हो गया, लेकिन किस्मत मेरा धोखा दे दिया, जो कि वहाँ पर अनमेरिड डॉक्यूमेंट्स मांग दिया, मैं वहाँ छट गया। फिर वहाँ से 16 घंटा का सफ़र तय करके आया, मैं 2-3 दिन घर में डिस्टर्ब रहा कि अब फौज की तैयारी नहीं करूँगा, बहुत परेशान हो गए, लेकिन फिर लगाया नौकरी चार दिन का हो या चार साल का हो या 40 साल का हो, नौकरी तो फौज का ही करना है, तो सपना होता, सपना तो पूरा करना ही था, अब वो सपना ही क्या जो बंद आँख में देखे और सो के उठे तो सपना भूल जाए, खुली आँख में सपना देखना है कि भूलने का कोई चांस ही ना हो, सो के सोता हुआ आदमी सपना भूल जाता है, लेकिन जगा हुआ आदमी सपना नहीं भूलता है।
एक सपना होता है, एक डेडिकेशन होता है, एक गोल्स होता है। मैं गोल मानता था कि पूरा तो करना ही है, सपना भूल जाता आदमी लेकिन गोल कभी नहीं भूलता है, गोल अचीव करता है आदमी। मैंने गोल माना फौज की नौकरी को। उसके बाद फिर मैं आया तो फिर 2021 में मैंने आर्मी टेक्निकल भर्ती रांची में दिया, जो कि मैंने फिर एक्सीडेंट ही मारा दोस्तों। सब कुछ हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मेडिकली एक दिन में हुआ और मेडिकल फिट हो गया। 25 दिन बाद रिटेन का एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद रिटेन का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद अचानक कोरोना आ गया, मतलब दुख का पहाड़ और दुख का बादल घेरने लगा मुझे। मैं समझ गया अब तो कुछ गड़बड़ होगा, क्योंकि किस्मत सब कुछ सही चल रहा था, कुछ तो अभी तक मेरे साथ अच्छा चल कैसे रहा, मुझे मन में लग ही रहा था। सब कुछ बुरा होने लगा, कोरोना आ गया, एग्ज़ाम का डेट डीले होते चल गया। मैं उदास होने लगा, कितना पढ़े, पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा हो गया था, नंबर भी अच्छा रहा था। उसके बाद फिर ऐसे एग्ज़ाम डिले होते लगा। इसी बीच बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ, मेरे पापा डेट कर गए और मुझे बहुत ख़राब लगा और मैं पूरी तरह से टूट गया था कि अब क्या करेंगे। घर का कंडीशन भी ख़राब हो गया था कि भैया अभी मतलब बहन रो रही, मम्मी रो रही, हम भी रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि अब करें तो क्या करें, मतलब मन उदास हो गया था। मैंने अपने आप को दोष देता था कि मैंने किसके साथ बुरा किया जो भगवान मेरे से इतना बुरा कर रहे हैं। मैं तो सब कुछ सह लिया। उसके बाद भी भगवान, मेरा उम्र ही कितना हुआ था, 20 साल हुआ, और 20 साल के उम्र मेरा पापा चले गए। मेरी बहन है, भाई है, छोटा भाई है, पढ़ाई कर रहा, बहन पढ़ाई कर रहा, एक छोटा सा दुकान है, उसी से चल रहा था सब कुछ। लेकिन उसके बाद फिर मैं अपना हिम्मत नहीं हारा, लेकिन जब पता चला कि आर्मी 4 साल का हो गया तो मेरा मन और भी ज़्यादा टूट गया। मैंने बोला अब नौकरी करना ही नहीं है, बेकार है, क्योंकि अग्निवीर के बारे में सब बोल रहे थे 4 साल का नौकरी है, 4 साल का फौज है, भाड़े का फौज है, 4 साल बाद क्या करेगा, चौमिन दुकान खुलेगा, गुपचुप दुकान खुलेगा, वगैरह वगैरह। हर इंसान अपना अपना वक्तव्य दे रहे थे, जिसे जैसा लग रहा था। लेकिन वही बात है ना, मेरे अंदर एक मोटिवेशन था कि नौकरी 4 साल का हो या 40 साल का हो, करेंगे तो फौज का नौकरी करेंगे, और नौकरी के लिए मैंने मेहनत किया। उसके बाद नौकरी मतलब आर्मी अग्निवीर के लिए मुझे 30 दिन का मिला था टाइम। 30 दिन में मैंने 15 दिन में रनिंग वनिंग किया, डॉक्यूमेंट्स कुछ तैयार किया, उसके बाद मैंने भर्ती किया। मैंने एक्सीडेंट मारा दोस्तों, वहाँ भी एक्सीडेंट मारा, मेरा आराम से भर्ती हो गया। उसके बाद मुझे री मेडिकल मिल गया, मेडिकल मैं अनफिट हो गया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि मैंने री मेडिकल कैसे हो गया। मैंने वहाँ आर्मी अधिकारी से भी बात किया कि सर मैं अगला बार फिट था, मेरे पास फिट का डॉक्यूमेंट्स है। तो सर बोले कि ठीक है तुम यहीं पर साफ कर लो। मैंने काम साफ किया लेकिन नहीं दिखा उनको, मुझे री मेडिकल दे दिया गया। नामकुम में 12 दिन तक मैं दौड़ता रहा दोस्तों, तब जाकर मुझे मेडिकल फिट हुआ। 4 बंदा था री मेडिकल में, 30 बंदा था कान में, 30 में मैं मात्र 2 बंदा फिट हो री मेडिकल में फिट हो पाया। उसके बाद मेडिकल फिट हो गया तो मुझे बहुत खुशी लगा, चलो अब हो जाएगा। उसके बाद फिर जाकर अंततः एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम में मैं सफल हुआ और मेरी जो संघर्ष था कामयाब हुआ। और मैं दोस्तों यही बोलना चाहता हूँ कि आदमी को हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए और हार कभी नहीं मानना। दोस्तों मैं अपना यही मोटिवेशन के साथ अपने शब्द को विराम करता हूँ।